मैंने देखा लूसीफर हिंदी में, वैसे आई एम द गाय हु लाइक्स टू वॉच शोज इन ओरिजिनल लैंग्वेज, बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैंने गलती से हिंदी में प्ले कर दिया एंड फिर मुझे मजा आने लगा, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हिंदी में भी देखोगे ना इस शो को तो उतना ही मजा आएगा जितना आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में आता है। मैंने दोनों में ट्राई करके देखा, मुझे हिंदी में ज़्यादा मजा आ रहा था इनफैक्ट, क्योंकि आई वॉज लाइक कि पता है ना डबिंग के बाद थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता था, थोड़ा इंडियन एक्सेंट आ जाता है तो फील ही अलग हो जाता है, सो मज़ा आया। शो की बात करते हैं तो देखो लूसीफर के बारे में, लूसीफर जैसा कि तुम लोग को पता है यार, मुझे तो नहीं पता था लिटरली इस बारे में, कुछ भी नहीं पता था कि लूसीफर कौन है क्या है, कुछ नहीं पता था। इसी शो से पता चला है जो पता चला है, और उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च से कुछ ना कुछ पता चला है। सो बेसिकली लूसीफर जो है वो हेल का राजा है, और लूसीफर का अगर हम मतलब की बात करें तो लूसीफर का मतलब होता है मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा। एंड लिटरली लूसीफर का नाम भी शो में होता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। तो शो कुछ इस तरह से शुरू होता है कि लूसीफर एक दिन डिसाइड करता है कि अब वो हेल्थ से छुट्टी चाहता है, वो धरती पे आना चाहता है मजे करने के लिए, और फिर वो धरती पे आ जाता है। धरती पे आने के बाद वो केसेस सॉल्व करता है, डिटेक्टिव बनने की कोशिश करता है, मतलब नॉट डिटेक्टिव, डिटेक्टिव कंसल्टेंट बनता है LAPD में, लॉस एंजलिस पुलिस में। तो भाई वहाँ पे उसे एक डिटेक्टिव मिलती है जिसके साथ काइंड ऑफ ही हैज़ सम फीलिंग्स फॉर हर, तो उसी के बारे में है, शो चलता रहता है, वो बताने की कोशिश करता है, कोई समझ नहीं पाता, शो गोज लाइक दैट। ठीक है, बेसिकली हर एपिसोड में एक नया केस आता है, एक नया मर्डर होता है, और जो लूसीफर है और उसकी जो पार्टनर है डिटेक्टिव डेकर, वो दोनों सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब यार अगर मुझे मतलब बेसिकली मुझे पसंद आया ये शो क्योंकि डिटेक्टिव वाला पार्ट था, बट अगर बात करते हैं तो यार जो केसेस हैं ना बहुत सिंपल हैं, लिटरली कुछ भी नहीं है, हर केस में मर्डर होता है और सेम पैटर्न से हर बार सॉल्व कर देते हैं। तो ये डिसअपॉइंटिंग पार्ट है इस शो का बेसिकली, कि इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं, मेन स्टोरी जो है लूसीफर को ही फोकस करके रखा गया है। और हाँ, जैसे कि हम मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया, उनके स्टोरी पे ध्यान ही नहीं दिया गया, लेकिन कैरेक्टर्स ने अच्छा काम किया, सब ने अच्छा प्ले किया है। बेसिकली मुझे नाम तो नहीं पता इनका, मैंने कोशिश भी नहीं किया नाम याद रखने की, बट स्टिल सारे कैरेक्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस स्टोरी वाइज थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कि कई सारे कैरेक्टर्स को ऑफलाइन कर दिया, मतलब ऑफ टॉपिक कर दिया गया, नॉट ऑफलाइन, तो वो थोड़ा सा फील होता है, अदरवाइज द शो इज़ क्वाइट गुड। बस फर्स्ट सीजन, मतलब चार सीजन है अब तक आए हुए हैं, पांचवा सीजन अगस्त में आने वाला है। तो पहला सीजन बस वही है, लूसीफर धरती पे आता है और बस मज़े करने की सोचता है, पर धीरे 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 स्टोरी डेवलप होती है, फिर उसका भाई आता है, फिर उसकी मॉम आती है। मैं मिक्स कर रहा हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कौन से सीजन में क्या होता है, बट द स्टोरी इज़ लाइक दिस। कि अब अगर सीजन्स की बात करें तो पहला सीज़न ही सबसे बोरिंग था, पहले सीज़न क्योंकि काफ़ी लंबा है यार, 13-14 एपिसोड है पहले सीज़न में, और अगर आप उसमें से 5-6 एपिसोड कट भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली बस केस सॉल्व कर रहे हैं और वो केसेस में भी कुछ नया नहीं हो रहा है, वही जो आपको पता है वही चीज़ें हो रही हैं, तो इट्स लाइक कि आप इग्नोर कर सकते हो बेसिकली। और हाँ, स्टोरी जो है थोड़ा बहुत डेवलप होती है, आप भगा भगा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीज़न टू में भी ऐसा ही कुछ होता है, सीज़न बेसिकली जो मेन सीज़न है वो है सीज़न 4, सीज़न 4 तक अगर आप पहुंच गए तो मज़ा आएगा। मैं बोलूँगा देखो, अगर आप देखना शुरू कर रहे हो, अगर आप बोर हो जाते हो ना तो स्किप मत करो, मतलब सीज़न छोड़ देखना बंद मत कर दो, स्किप कर करके भगा भगा के थोड़ा थोड़ा देखो, आपको आगे चल के मज़ा आएगा, क्योंकि आपको स्टोरी का आइडिया लग जाएगा अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है। और हाँ, कॉमेडी सीन्स मैं बोला ना, मैंने जैसा कि कहा कि अगर हम हिंदी में देख रहे हो तो आपको मज़ा आएगा, कॉमेडी फील होती है, जोक्स वगैरह फील होते हैं, इंग्लिश में उतना मज़ा नहीं आता जोक्स वगैरह की बात करें तो वाला सीन है। और हाँ, लूसीफर का भाई आता है, सारे मतलब सब चीज़ों से आपको बताया जाता है, मुझे तो लिटरली कोई आइडिया नहीं था लूसीफर के बारे में, हेल के बारे में, हेवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, और फिर जब आप बाहर रिसर्च करते हो तो आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं, तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। आई वुड से कि आप देख लेना चाहिए आपको, ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत कुछ नया है या कुछ इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बट स्टिल मज़ा तो मज़ा है, मज़ा आ रहा है इस शो में। और अभी सीज़न 5 का वेट कर रहे हैं, सीज़न 5 अगस्त में आएगा। एक्चुअली सीज़न 5 वॉज द एंड, सपोज टू बी द एंड, बट अभी पेंडेमिक की वजह से जो है सीज़न 6 भी आने वाला है, क्योंकि सीज़न 5 में स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, तो डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है कि हम एक और सीज़न बनाएंगे जिसमें जो है इसको कंक्लूड करेंगे, तो वैसा वाला सीन है। अब लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर आपने देखा हुआ है तो आपको कैसा लगा, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। That's it. See you in the next one. What's your name? Lucifer. Like an apple. Exactly.